हम खाली एक आर्टिकल है इंडिया टुडे का, इंडिया टुडे देश का सबसे माना प्रतिष्ठान वाला जो है एजेंसी है, न्यूज चैनल है, और इसका मैगजीन जो है नंबर वन है। इसमें लिखा आरएसएस चीफ मोहन भागवत एट इट अगेन, सेज वुमेन शुड बी जस्ट हाउसवाइफ एंड हस्बैंड शुड बी द ब्रेडविनर। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। सदन में आज एक बार फिर से आरएसएस को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में एक बार फिर से आरएसएस पर हमला बोला है, जिसके बाद सदन में इतना हंगामा हुआ कि एक बार फिर स्पीकर विजय सिन्हा को वापस आना पड़ा। आपको बताएं कि इससे पहले स्पीकर विजय सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं को सम्मानित करते हुए स्पीकर की कुर्सी एमएलए ज्योति देवी को सौंप दी थी, और उन्होंने बकायदा ये कहा था कि अभी से सदन की आगे की कार्रवाई ज्योति देवी ही संभालेगी। लेकिन इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरएसएस को लेकर जो मुद्दा सदन में उठाया, उसको लेकर भारी बवाल देखने को मिला और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया, अनकंट्रोल हो गया कि इसे कंट्रोल में करने के लिए वापस से स्पीकर विजय सिन्हा को अपनी कुर्सी संभालनी पड़ी। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सदन से देखने को मिली है और किस तरह से एक बार फिर आरएसएस पर, मोहन भागवत पर सदन में सवाल उठाए गए हैं, हंगामा किया गया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। हम खाली एक आर्टिकल है इंडिया टुडे का, इंडिया टुडे देश का सबसे माना प्रतिष्ठान वाला जो है एजेंसी है, न्यूज चैनल है, और इसका मैगजीन जो है नंबर वन है। इसमें लिखा आरएसएस चीफ मोहन भागवत एट इट अगेन, सेज वुमेन शुड बी जस्ट हाउसवाइफ एंड हस्बैंड शुड बी द ब्रेडविनर। अभी आप हम नहीं, नहीं सुनिए, ऐसा है नहीं। अगर देश की आजादी में भी लड़ाई लड़ी तो आरएसएस के साथ महिलाओं ने भी लड़ी है और पूरा एजुकेशन का काम भी संभाली है, काम भी करती है। आजकल एक आप अरे सुना जाए, हमने नहीं बोला कुछ, शांति बनाए रखिए, बोल ही नहीं रहे कुछ, हम कहां बोले, जो उप मुख्यमंत्री जी बोले और जो मोहन भागवत जी बोले वही हम, शांति बनाए रखिए। एक सेकेंड सुनिए ना, अरे तो बोल रही है तो सबको बुलवाए ना, बोलिए तो हम बैठ के सुने कि नहीं, बैठ के सुने ना, बैठ अब सुनिए। अरे शांति बनाए रखे, शांति शांति बनाए रखिए। अरे हम तो कुछ बोले ही नहीं है, माननीय आप सबको मौका दिया जाएगा, अभी इनकी बारी है, इनको बोलने दिया जाए, आपकी बारी हो आप अपना बोले, बैठिए। अरे ऐसे हाउस चलेगा, अरे बैठो ना, कौन सा नियम है, अरे नियम बताओ ना, नियम आप शांत हो जाइए, आप सभी लोग शांति बनाए रखिए और नेता विरोधी दल को बोलने दिया जाए, बिना हाथ गोर वाले लोग हैं। आप सुनिए, आपसे शांति बनाए रखिए, नेता विरोधी दल को बोलने दिया जाए। हम बस यही कहे कि मेरा बयान नहीं है, उप मुख्यमंत्री जी को इंडिया टुडे का आर्टिकल जो है वो हमने बताया। माननीय सदस्यगण,
बैठ शांति बनाए रखिए, बैठ जाइए। अब माननीय सदस्य, सदन विमर्श का जगह है और कई बार आग्रह हमने किया है कि हम वैसे शब्द नहीं।